ताजपुर थाना के मोरवा में पिता पुत्र की हत्याकांड में फरार मुख्य आरोपी विनय ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने जाल बिछाकर उसे मोरवा डीह में एक गांचे से गिरफ्तार किया। उसके पास से हत्या में प्रयोग किया गया पिस्टल, 4 कारतूस भी बरामद हुआ। सदर डीएसपी प्रीतिश कुमार ने बताया कि पिता पुत्र की हत्या मामले में ताजपुर में कांड संख्या 385/19 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें विनय ठाकुर मुख्य आरोपी था। गिरफ्तार आरोपी की कई आपराधिक कांडों में भी संलिप्तता सामने आई है। मुसफ्फिल थाना क्षेत्र में मुरी घरारी रोड स्थित सुधा के डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ डकैती, चंदहा बाजार में जैविक खदा लदा पिकअप लूट, बेगूसराय जिला के लाखो थाना क्षेत्र में एनएच पर दाल लदा पिकअप लूट आदि घटनाओं को मुख्य आरोपी ने अंजाम दिया था। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम का नेतृत्व ताजपुर थाना अध्यक्ष विश्वजीत कुमार कर रहे हैं। ताजपुर थाना क्षेत्र के मुड़वाडी में विगत माह में 19 तारीख को एक पिता पुत्र की हत्या की गई थी। मामूली से मोटरसाइकिल लगाने के विवाद में एक अपराधी द्वारा उसी मामले में ताजपुर थाना अध्यक्ष द्वारा महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की गई है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि उस कांड में पिता और पुत्र दोनों की हत्या हो गई थी। डबल मर्डर था, काफ़ी सेंसेशनल था। काफ़ी मेहनत के बाद इसकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही उपलब्ध यह रही कि जिस हथियार के साथ इसकी हत्या की गई थी वो हथियार कारतूस सहित बरामद है। घटना स्थल पर से वो खोखा जब्त किया गया है जो फायर किया गया था। तो हम लोग इसमें आगे इस तरह बढ़ेंगे कि इसको हम लोग त्वरित विचारण कराएंगे, साथ ही FSL जांच कराएंगे और उसके पिस्टल और खोखा की मिलान की जाएगी। पुख्ता सबूतों के साथ इस कांड को त्वरित विचारण पश्चात अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा हम लोग इस कांड में दिलाएंगे। तो हत्या के पीछे वजह क्या थी? वजह यह था कि एक क्रिमिनल माइंडेड लड़का है जो पहले भी कई बार लूट और हत्या की कार्रवाई कर चुका है। पहले भी चंदा और बेगूसराय में इसका आपराधिक क्षेत्र रहा है। साथ साथ ये मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 3-4 महीना पहले एक सुधा डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ लूट की डकैती की घटना हुई थी, उसमें भी ये PO पर उपस्थित था। उस कांड के बाद से भी ये फरार चल रहा था। ये अपना अपराध क्षेत्र बेगूसराय में और वैशाली जिला तक बढ़ाए हुए हैं और इन सभी मामलों में इसकी तलाश की जा रही थी और इसकी गिरफ्तारी से हम लोगों को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है, जिसमें इस क्षेत्र में अपराध में कमी आएगी। साइको किलर के रूप में भी जाना जा रहा है। ये एक संगठित आपराधिक गिरोह चलाता है और उसका ये मुख्य सदस्य है और ये इतना डेयरिंग है कि एक मोटरसाइकिल लगाने के विवाद में अपने ही दूर के रिश्तेदारों में से जो उसके पिता पुत्र आते थे दोनों की हत्या कर चुका है, किया था उसने।